My name is Muhammad Saad, and today we are kind of revamping our podcast scene, and we have relaunched this whole setup. And today we'll be discussing about the crisis that we'll most likely be facing regarding the education sector. एंड अभी हुकूमत चूँकि बनी है नई फ़िलहाल, तो पहले तो एक साल तक जो केयर टेकर था सेटअप, उसमें कोई इतना कुछ ख़ास हमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी नज़र। लेकिन अब चूँकि हुकूमत बन गई है, प्रोविंसेस के अंडर भी कैबिनेट ने वोट भी ले लिया, तो हमें बहरहाल कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी होती आ रही है नज़र। तो फिलहाल एक रिपोर्ट आई है जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। उस रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर जो 26 मिलियन बच्चे हैं, मतलब फ्रॉम 8 to 15 ईयर्स, वो स्कूल से बाहर हैं, मतलब दे कांट गो टू स्कूल। हम ये भी सुनते हैं कि रिसेंटली इलेक्शन के अंदर भी हमने ये देखा कि यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, जो 66% पाकिस्तान की आबादी है वो बिलो द एज ऑफ 30 है। लेकिन अगर उसके अंदर हम मोर डिटेल में जाएँ तो फिर हमें ये नज़र आता है कि उसके अंदर से आधे जो बच्चे हैं वो तो स्कूल ही नहीं जा रहे, जो 26 मिलियन के बाद ही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है इस पूरे सिस्टम के ऊपर। आप बताएं इसके ऊपर कि आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, और इस हवाले से ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की जो रिपोर्ट आई है, जिसे प्रेस ने बहुत ज़्यादा कवर भी किया है, तो वो बड़ी दिल खराश है। जब हम बात करते हैं तालीम की पाकिस्तान में, तो सबसे अहम चीज़ जो हमें इसमें देखनी चाहिए वो स्टैटिस्टिक्स हैं। स्टैटिस्टिक्स जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ने, मतलब लास्ट जो इन्होंने पब्लिश किए हैं, इसमें पहले अच्छी खबर ये है कि प्राइमरी जो प्ले ग्रुप से लेकर अप टिल प्राइमरी, वो 1,13,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, और प्राइमरी जो 1 to 5 है क्लास, इसमें 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, और मिडिल है फिर 6 to 8 क्लास, 6 to 8, वो उसमें 80,75,000 चल रहा है, और फिर 9 और 10 में 45,00,000 हैं। जो टेक्निकल और एजुकेशनल वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसमें तकरीबन 4.5 लाख चल रहे हैं। कॉलेजेस में जो 11, 12 है इसमें तकरीबन 8,20,000 तलबा हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह फिर जब हम यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक 19,60,000 जो है वो तलबा इनमें जामियात में, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और तादाद जो इंस्टीट्यूशंस की है वो ये है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं वो 1,82,600 हैं, मिडिल स्कूल 40,800, सेकेंडरी स्कूल 25,800, कॉलेज 7,648, टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर 3,729, और यूनिवर्सिटी और डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस 272। अच्छा, अब आते हैं जो मसला दरपेश है वो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि जो पॉपुलेशन है उसका क्या हिसाब है डेमोग्राफिक्स को। हाँ जी, तो वो अंडर 24 जो एज के कम उम्र बच्चे, वो 12,65,00,000। मैं समझता हूँ कि जो ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट आई है, और उसमें ये कहा गया है कि 2,62,62,00,000 तक तलबा जो है वो मतलब स्कूल से बाहर, स्कूल से ही बाहर है। तो यानी मतलब हम बात ना करें, यानी मतलब प्ले ग्रुप की भी ना करें और प्राइमरी की भी ना करें, और यानी मतलब वो स्कूल में है ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम जो फेस कर रही है सोसाइटी वो तो गुर्बत है, पावर्टी की वजह से ये मसला। तो उसके हल के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? तो ये प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई, अब हुकूमत के पास जो मैंने अभी ये आपको नंबर बताए हैं, तो एक तो ये हो सकता है कि कैपेसिटी डेवलपमेंट में जाएं, यानी स्कूल्स को जो है ना उनकी कैपेसिटीज को बढ़ाएं, और फिर उसमें
उनको इनरोल करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो एक सवाल है मेरा कि बेसिकली जो आपने बात की कि तालीम में जो बेसिक खटर है वो पॉवर्टी है, और जो गरीब लोग हैं वो बच्चों को स्कूल इस वजह से नहीं भेजते क्योंकि उन्हें बच्चा एक पोटेंशियल अर्नर आ रहा होता है नज़र कि ही इज़ गोना अर्न फॉर अस, तो उन्हें लग रहा होता है कि तालीम इसको एम्पावर करने की बजाय इसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ कर देगी। तो इसमें हुकूमत को क्या करना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं या जो मतलब पसमानदा तबकात के लोग हैं वो तालीम को एज एन अपॉर्चुनिटी देखें, एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल रादर दैन टू सी इट एज एन हिंड्रेंस टुवर्ड्स देयर एम्पावरमेंट। हम बहुत सी बातें करते हैं कि स्कूल जाना ज़रूरी नहीं है, कॉलेज जाना ज़रूरी नहीं है, ये 4 साल की आपने लिए डिग्रियाँ इसने आपको कुछ सिखाया ही नहीं है, इससे बेहतर तो ये आप स्किल ले लो, फ्री लांसिंग कर लो, पैसे हासिल कर लो। तो ये एक डिबेट हमें मिलती है अगेंस्ट द ट्रेडिशनल नॉर्म ऑफ एजुकेशन, और इसे मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जिन्होंने FSC की, उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 साल क्यों लगाएं हम एक कागज़ का टुकड़ा हासिल करने के लिए, उससे बहुत बेहतर है कि हम कोई स्किल सीखें 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने में और फिर हम कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें टुवर्ड्स आवर हाउस होल्ड। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में 2 फिनोमेनन्स हैं। वन इज अवेयरनेस, सेकेंड इज एनफोर्समेंट, बोथ आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो आ गई तालीम के हवाले से एनरोलमेंट के ऊपर, लेकिन देखें सिर्फ ये एनरोलमेंट की बात नहीं है, पॉवर्टी को भी तो देखना है ना, कि पॉवर्टी एलिविएशन भी एक वही पॉइंट था मेरा। तो पॉवर्टी एलिविएशन इज पार्ट ऑफ द अवेयरनेस थिंग व्हिच आई हैव सेड। पॉवर्टी एलिविएशन कैसे होगी? जाहिर सी बात है मेहनत करके होगी। मेहनत कौन और कब क्यों करेगा? जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वो अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होगी? अपॉर्चुनिटी तब क्रिएट होगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और आपकी जो, अब जैसे हम एग्रीटेरियन इकोनॉमी है तो उसमें हमारा रूरल एरिया में ज़्यादा है जो आबादी है, तो उनके लिए उसमें फराहम करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना जी। और उसमें आपकी यील्ड की इंक्रीज होनी चाहिए, और दूसरा ये कि किसान के जो किसान हैं उनके हकूक पर बात होनी चाहिए, और जो ज़मींदार हैं, ठीक है ना, जो निचले तबके के हैं, जो यानी फूड बास्केट जो बना के देते हैं पाकिस्तान को, बिल्कुल। और चूंकि फूड सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी द इमर्जिंग चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, तो वी आर द फूड बास्केट, ठीक है ना। ये तो आपको तय होना चाहिए कि आर फ्यूचर इज ब्राइट बिकॉज वी आर द फूड बास्केट। बट फूड बास्केट की जो यील्ड है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो अब पॉलिसी मेकिंग पे बात आएगी, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए उसमें। उनको इंश्योर करना चाहिए कि आपके पास कैपेसिटी है, उसमें आप बच्चों को इनरोल करें, क्योंकि एजुकेशन तो फ्री ही होने चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल में तो एक तो बात यह है कि इस वक्त जो माशी हालात हैं पाकिस्तान के, तो उसमें इनोवेटिव चाहिए कि स्टेप, ठीक है। सो द प्राइमरी इनोवेशन विच आई हैव थॉट ऑफ, और उसमें 2 चीज़ें हैं जो करनी चाहिए गवर्नमेंट को। एक तो ये कि ये जितनी मसाजिद हैं पाकिस्तान में उनको स्कूल का दर्जा दे, बिकॉज मस्जिद इज़ अ कम्युनिटी प्लेस। इवन मस्जिद नबवी वाज अ प्लेस वेयर अस्हाब उस्सुफा यूज टू सिट एंड टीच, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ प्लेस ऑफ एजुकेशन। तो मसाजिद को, एंड नॉट ओनली रिलीजियस एजुकेशन, इवन कन्वेंशनल एजुकेशन, तो मसाजिद को दे दिया जाए दर्जा स्कूल का, और उसमें असातिज़ा की तैनाती की जाए। फिर एक और चीज़ मैं जो समझता हूँ वो ये है कि जो मोहल्ले में नेकनाम लोग हैं, जो थोड़ा एफ्लुएंट हैं, हर मोहल्ले में होते हैं, उनको चाहिए कि वो थोड़ी कुर्बानी दें और थोड़ा सेक्रीफाइस करें अपनी जनरेशन नेक्स्ट के लिए, और अपनी कोई बैठक या अपनी जो गुजरा है वो एलोकेट कर, इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करके दें जो वहाँ के एफ्लुएंट लोग हैं, और उसकी फिर उनको भी स्कूलों का दर्जा दिया जाए। इनको आगे आना चाहिए। बाकी ये भी है कि जो स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जैसे बड़े बड़े नाम है इसके अंदर, उनको चाहिए कि वो भी अडॉप्ट कर लें, ठीक है ना। उसमें अपने स्कूल यानी चैरिटी स्कूल अडॉप्ट करना शुरू कर दें ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। फंडिंग मैनेजमेंट ये करें, ठीक है ना, और फंडिंग उसको गवर्नमेंट कर दे, ठीक है ना। और इतनी फंडिंग है भी नहीं, यानी एक टीचर की सैलरी देनी है ना,
एक पेरोल आपका आना है और दूसरा ये कि सप्लाई आनी है, वो आप इंश्योर कर लें, वो कोई सेंटर बना दें ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है। इधर आके तलबा अपने शनाख्ती कार्ड जो अपने वाले हैं वो वैसे जो आपसे जुवेनाइल कार्ड भी आ गए, बे फॉर्म भी आ गए, हाँ, तो नादरा को चाहिए कि वो इनके लिए बे फॉर्म में ना भी हो तो वो जुवेनाइल कार्ड दें, जो ना वो इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये होगा इनके पास डेटाबेस पहले से आ जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें ना उनको, जो ना बच्चे हैं आपकी काम का इंस्ट्रक्शन है उनके दें, ताकि इनके पास नादरा के पास डेटाबेस आ जाएगा। लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग विल और यानी मतलब आपको मतलब यू हैव टू फील एंड सिंपथाइज विद द पीपल, एग्जैक्टली, यू कैन नॉट डू इट विद अ कमर्शियल माइंडसेट। तो ये पहले एपिसोड थी, इसके अंदर हमने स्पेसिफिकली फोकस से बात करने की कोशिश की है सिर्फ के जो 26 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं उन्हें हम स्कूलों का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, और बेसिक जो तालीम है कि वो बच्चा पढ़ सके, कुछ लिख सके, कुछ कॉम्प्रिहेंशन स्किल उसके अंदर डेवलप हो सकें ताकि आगे जाके वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब कर सके। तो वील बी कैरिंग फॉरवर्ड दिस कन्वर्सेशन इंशाल्लाह ताला इन द अपकमिंग पॉडकास्ट सीरीज एज वेल, सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक।